हाँ रज्जू एक बात तो है ससुर, आय हाय 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 का लग रही हो यार तुम जामे एकदम लारू कयामत ढा रही हो कयामत। तो मैं देख के यार एक हाउ हाउ तुम्हें देख के हमें एक फिल्म याद आ गई बामे कटरीना कैफ हती शायद और भी हते सारे लेकिन कटरीना कैफ निकल के आई थी बामे वो बा कमाल की लगी थी लेकिन हाँ तुमसे ज्यादा ना लगी तुम बा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही कटरीना कैफ से भी ज्यादा। जॉन फिल्म की तुम बात कर रहे हैं ना? हाँ बा फिल्म में जब कटरीना नेता बनी हती ना विधवा हती। बात पे कहे तुम लीपा पोती कर रहे हो साफ साफ मुद्दे पे आए जाओ ना। अरे मुद्दे की ही बात कर रहे मतलब हमें ऐसा लग रहा हुआ कि अम्मा और तुमाओ मतलब दोनों इलेक्शन में खड़ी हो ना टकाटक एक दूसरे के आमने सामने तो जो कंपटीशन रज्जो तो हमें लगता है जो कंपटीशन जबरदस्त होगो। अम्मा कैसे खड़ी होए पई है खुद तो खड़ी हो ही नहीं पाती है चुनाव में खड़ी हो रही है। अब बुरू लग गो हमें का बात को बुरो लग गो ना बतान को कष्ट करिए दरोगा जी। यार अम्मा के लाने तुम ऐसा कह रही है मतलब खड़ी ना हो पाती है भाई बड़ी बुजुर्ग है घर की पूजनीय है सम्माननीय है ऐसो अम्मा के लाने ना बोले तुम्हारी सास है भाई। हाँ सॉरी बोल रहे हैं भावनाओं में नेक बह गए तो इतनो ना बहो यार ज्यादा ही बह रही तुम भावनाओं में तो अपनी अम्मा से कह लो ना कंट्रोल कर लें। अब उनने सुखा कर दो इलेक्शन में कई खड़ी हो रही हैं। कई खड़ी हो रही मतलब ना तुम एक बात बताओ अगर एक ही परिवार के दो सदस्य चुनाव में खड़े हुए हैं और एक ही चुनाव के लाने तो घर की शांति भंग ना हुई है जब लड़े हैं तो। करेक्ट करेक्ट लेकिन हम का कह रहे रज्जू हमें ना कहो जाए के अपनी डुकरिया को कहो का कहें जी कि जा उम्र में पूजा पाठ करें नेक शांति से बैठ के रामायण पढ़ें जे चुनाव का ही लड़ रही हैं हाँ जे कई समाज के विवादन में उलझ रही हैं। ठीक है हम जाके समझाएं दे रहे बोल दे रहे बोल दे नहीं रहे बोल दे रहे जाए के बोल लो अबई प्रेजेंट टाइम अबई मतलब यस प्रेजेंट टाइम यू गो एंड टॉक टू लेडी योर बुजुर्ग लेडी आशीर्वाद है तुम्हें मतलब तुम्हारे साथ है तुमने इतनी कमाल की जो अभी प्रेजेंट टाइम वाली अंग्रेजी पेली ना वो तुम्हें ऐसा लग रहा हूँ जीत ही जाओगी। दिख रहा हूँ मैं शीशा में सार पे दिमाग से। नहीं नहीं वो तुम निकल ले चलो अब ही आएगा गो ओके नीता बन रही बीवी। अरे दादा जमुना पार की कौन को चाहिए हमें तो बदायूं वाली चाहिए बदायूं बदायूं वाली चाहिए। अरे एक सेकेंड तुझे क्या कर रहे तुम शर्म ना आ रही तुम्हें? अरे यार तुम दो मिनट तो ठहरो यार इतने माहौल बना के आई हम हाँ बहुत ही बढ़िया मतलब रज्जू तुम्हारे लाने खुशबूदार इत्र लेके आई देखो। अरे इतर का लेके आ गए बहुत सारे सेंट पड़े हैं कछु लिपस्टिक पाउडर लेके आते तो काम हुआ ये तो देखो तुम्हारी इतनी गुलाबी गुलाबी होंठ हैं क्या करोगी लिपस्टिक को हैं ऐसे ही बढ़िया चमक रही हैं सच्ची आओ आओ ये काम करो लगा के तो देखो हाथ दियो तना जगह मजो तो लियो आहा रोलिंग वालो है ऐसे घुमाओ तो सारो गोल गोल घूमते है तुम पूरी महक जाओगी। रज्जू हम हमेशा से चाहते हैं कि हम सारो थाने जा रहे हो ना हमारी रज्जू जब हमें गले लगा के विदा करे तो सारो हम जब थानों पहुंचे हमें लगा रज्जू हमारे आसपास है बिल्कुल आसपास मंडरा रही मतलब रज्जू की खुशबू पूरे थाने में फैले। दरोगा जी जे इतर लगान के बहाने हमसे चिपकते रहे हो। रज्जू जब फूल महकेगो तो भंवरा आके तो चक्कर लगाएंगे ना ऐसे गोल गोल हाँ तो चक्कर लगाए ना ऐसे चिपके ना हमें पता आती ठीक है तुम जो रिश्वत देने के बहाने हमसे निछावर मांगे हो चलो हटो ते। अरे यार ऐसे क्या हटो हमें ना हटने हैं हम तो जो सोच रहे कि यार कछु भी हो बच्चों से निपटने में बड़ी आसानी हो जाती है सिर्फ तुम्हारी वजह से। कैसे पापा हमें याद कर रहे आखिर बात क्या है? सही कह रहे हो। अरे और नहीं तो का हम तो यही सोच रहे थे सुनो बच्चन ने कैसी जान खा ली थी फिल्म देखन चलने इतने चलने होते घूमने मतलब दिमाग खा गए लेकिन तुमने दो मिनट में उन्हें अगले हफ्ता की जरूरत गोली दे दी और भी मान भी गई और कमाल की बात जो है कि बच्चों को जो लग रहा हो कि तुम उनकी तरफ हो तो
हमने जी सब उनकी भलाई के लाने करी है। तुम तो कितने तेज हो, हाँ? कैसे तुमने उन्हें उल्लू बनाया था कि चिड़ियाघर तुम लोगों को अगले हफ्ते दिखाए हैं और अगले हफ्ते का भी सब भूल जाए हैं, हाँ? उन्हें का पता कि हम सब लोगों की मिली भगत है यार। जब तक ससुर अपनो तालमेल बनो है ना, ये सारी बच्चा ये लौंडा लपाड़ी हमें उल्लू नहीं बना सकते। उल्लू तो उन्हें कोई बनाए ना सकते, कैसे बेसब तुम पे गए हैं ना। और तुम तो मैं पहले से उल्लू हो मैं लल्लू। आमेन आमेन, तुम्हें से टॉकिंग कर रहे हैं, हाँ? मेकिंग माई लाइफ हेल एंड यू आर स्लीपिंग लाइक नथिंग हैपनिंग इन द योर ब्यूटीफुल लाइफ एंड व्हाट आर यू थिंकिंग दैट आई कैन नॉट टॉक टू यू, हाँ? यू आर नॉट बिलीविंग ऑन मी, यू आर सरमाइंग टू पीपल लाइक माई ब्यूटीफुल वाइफ इज नॉट टॉकिंग टू मी इन इंग्लिश। आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश एंड आई विल टॉक टू यू इन लाइफ इन होल लाइफ इन इंग्लिश। You know, people are very fan of me. That Rajjo is very smart woman and very intelligent, very gentleman, handsome. And they are not believing that she is delivering 9 children and still looking like a zero figure of heroine. And you, look at you. You are like Jappu Janna, Labo Janna. You run away my sleep and you are sleeping like Kumkaran. I'm talking to you. Angreji woman. क्या बात है, कहाँ है यार जो हैं सबेरे से अंग्रेजी में बिल्कुल अंट संट बकरियो कैट से कटवा के आई का अपने आपको। अच्छा, तुम्हें हमारी अंग्रेजी अब अंट संट लग रही है, हाँ? तुम जैसे बड़े क्वीन विक्टोरिया के घर से हो ना, नहीं तुम्हें कहाँ आते ABCD आते सुनाए दे उन्हें। ऐसो है, हमें भले ससुर ABCD के अलावा कछु ना आते हुए, लेकिन हमें देखो तुमने, हम आलम जा टाइम पे बैस हुए जैसे वो सारू फिल्म में जब देवानंद काली कपड़ा में ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट में निकलतो तो ना छज्जा से रज्जो एरा टप 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 बिटियां गिरती थी लद्द से, और जब हमें जीन्स और टी शर्ट में वो भी पीली वाली सारू गुलाब को फूल लेकर लड़कियां छज्जा से गिरती हैं, ABCD को का आचार रखेंगे, बोलने की जरूरत ही नहीं है। तुम गलत फहमी में जी रही हो, वो लड़कियां गिरती ना है, हाँ? तुम्हें देख के डर के मारे कूद जाती हैं छत से, हाँ? और निका है जे तुम्हारे बाल लपू जन्ना जैसे ऐसा लग रहा है जैसे करंट लग गया हुआ है, हाँ? हमें तो जो समझ में ना आ रहा है जे तुम्हारी जे जींस घुसी कैसे तुम्हारे अंदर, हाँ? हथौड़ा लेके गए थे का जे तोंद के। तुम्हारी शकल देख के हमें लग रहा होगा कि तुम जल भुन के बिल्कुल राख हो गई हो, देखो 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 स्टाइल स्टाइल देख के डर गई ना, घबरा गई। हम घबराए ना है, सही बता रहे, हमें इतनी हंसी आ रही है कि जो तुम्हारे बालन में ऐसा मन कर रहा है हम कि जाए में घुइयां बोए दे, हां? कैसे तुम्हारी जो है मेंढक जैसी शकल, तुम अपनी पति के बालन में घुइयां बो दोगी? हाओ कहे ना बोई है, हमारा बस चल तो पूरा खेत लगाए दें। ऐसो है, अगर तुम्हें हमारी शक्ल मेढक जैसी लग रही ना, तो हमें भी तुम्हारी शक्ल सारो वो कुकुर मुत्ती लग रही है। अच्छा, हाँ। तो तुम कुकुर मुत्ता हो, आई तो बस तुम कुकुर मुत्ती हो, तुम तो हो गजरगंड जैसे। हम कैसे हुए हैं, चूल्हे में तुम जाओ, हम बहुत स्मार्ट लग रहे। यू आर नॉट स्मार्ट, ओके? आई एम ब्यूटीफुल वुमन एंड यू वेरी हैंडसम देन यू। दोनों की समझदारी कितने गई, अब क्या करें? तकिया उठाओ और निकलो कमरे से बाहर, जब कमरे में जगाना है तुम्हारे लाने। हम तो सारो इतना ही सोएंगे, तुम्हें जान। तुमने अपने जिगरी यार को मेरे पास ना भेजा तो समझान के लाने। अब तुम ये बताओ शादी कितने साल हो गए, 20 साल हो गए हैं, हाँ? तो के बाप में इतनी हिम्मत है कि आए के रज्जो को समझा सके? और तुमने क्या करूं, हमारे दोस्त को लाग लपेट रस भरी की तरह सारू सीरा टपका के लार चबा के अपनी तरफ जो कर लो बहला फुसला के बाकू का। अच्छा, और तुमने जब अपनी तरफ करो बहला फुसला के तब बाकू का। हमने बताए रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत ही बेशरम आदमी हो तुम, सही बताए रहे हैं। हम बेशरम है? हाओ बेटा, हमें पता तो एक ना एक दिन तुम अपनो असली रूप दिखाओगी, हमें बाहर जाने के लाने यही से बोल रही ना कि खुद अकेले पूरे बिस्तर पे पसर जाओ। हाँ, खूब पसर रहे हैं हम तो, लोट लोट के पसर, कैसे जी हमाओ घर है हमाओ ना है?
आए गए हमाओ तुम्हारे बाले पे। बहुत ही सही बता, बहुत ही गिर गए हो तुम। सही कह रही रज्जू, आप हमें समझ में आ रही, कितने बेवकूफ हो गए, अंधे हो गए सारे, तुम्हें पगला गए तुम्हारे प्यार में, जिंदगी की 19 साल खर्च कर दे, चलते चले जा रहे बस। हमने ना साल इतने खर्च करे तुम्हारे प्यार में, हम पागल हो गए थे? अरे एक से एक बढ़कर रिश्ते आ रहे थे हमारे, सबको हमने छोड़ के हमारी आंखों में पट्टी बन गई थी, पता नहीं कहे तुम जैसे लपू झन्ना आदमी से हमने ब्याह कर लो। रिश्ता आ रही थी खूब, अरे सब उल्टे पांव लौट गए, तुम थोबड़ा दे तो भग गए, अरे जद उन्होंने भगड़े पगड़ा गए सारे, फिर हमारे पल्ले भर गई, हमारे खोपड़ी पे मर गई गई। और तुम्हारे बाप जयंती ने हमसे कई मोगरा को फूल है, और सारो निकलो कुकर मुत्ती। अरे तुम कुकर मुत्ती हो, हम कुकर मुत्ती है ना, तुम्हें बहुत ही परेशानी हो रही ना, बहुत दिक्कत है, तो हम निकल जाए अपने मायके में, देख के चुटकी बजाते चले जाए। तुम आदेश तो करो, छठैया रिक्शा बुला ले आ रहे, और रिक्शा पे बैठो, एक में सामान रखो, सीधो अवधेश और जयंती की गोद में गिरो। मैं बाबा को बीच में तुम लेके आते हो, ऐसे लेके आए का सोने ने, जो अप्पा चप्पा जब्बा मई खोपड़ी के पे मर दाऊ। अभी हम देखे, बहुत तुम्हारी जबान चल रही है, चल रही है, खुद अभी हम देखे, जैसे हम जाए ना अपने मायके, संभालियो अपने नौठैया की रेल को, तब नौठैया। अरे हम अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने नौ ठैया को संभाल सकते हैं, और जिनकी भी बीबी ससुर लड़ झगड़ के मायके भग गई मोहल्ला में, उनके भी लल्ला संभाल लेंगे, तुम जाओ। हमारा पूरा सपनों सच हो गया, अब क्या करें? नहीं नहीं,